सिंह आनंद सरस्वती, मैं गुरीका सिद्धे फिर मैं शहजहानपुर से आज पुलिस अरेस्ट पे हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियां हैं, मेरे आगे देख सकते हैं आप पुलिस की गाड़ियां हैं। ये सारी मौलाना साद को नहीं पकड़ सकते ये लोग, ये किसी मुसलमान को नहीं पकड़ सकते, केवल अपनी ताकत मुझ पे दिखा सकते हैं क्योंकि मैं कमजोर हूं। हिंदुओं समझ जाओ, कल दूसरा समय नहीं मिलने वाला है। हम तो आज हैं कल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है हमारा होना या ना होना, लेकिन तुम्हारे बच्चों को खा जाएंगे मुसलमान। प्यारे अजीज दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। जैसा कि अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा कि नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये बात अभी पक्की नहीं है कि उसको गिरफ्तार किया गया है या उसकी ये ऑडियो या वीडियो जो है पुरानी है। लेकिन दोस्तों साथियों उसको गिरफ्तार होना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बता दें कि ऐसा शख्स जो कि मजहब इस्लाम को लेकर के जहर उगलता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करता है, एक ऐसी गुस्ताखी जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, उसके बाद भी उस शख्स को ना गिरफ्तार करना कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े कर देता है। जी हाँ दोस्तों साथियों, हम जिस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं वहाँ पर तमाम ही मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी मज़हब के लोग हो, हर मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों साथियों आज इसी के ताल्लुक से मैं आप लोगों को सारी वीडियो में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। साथ ही साथ अगर अब तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है तो दुआ कीजिए, इंशाल्लाह ताला वो कमीन मलाऊन जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। वैसे ये वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि नरसिंहानंद सरस्वती जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि डासरा मंदिर का महंत है जो कि पिछले काफ़ी दिनों से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता चला आ रहा है। दोस्तों साथियों कहते हैं कि जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो उसका इलाज भी किया जाता है, ऐसा ही इसका इलाज होना बाकी है। आपको बता दें कि तमाम ही तरह के मुसलमानों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है, फिर वो चाहे यूपी से हो या फिर यूपी के बाहर से हो, हर शख्स प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, और आपके आपकी शान में कोई शख्स गुस्ताखी करे इस तरह का कोई भी शख्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको बता दें कि किस तरह से बरेली शरीफ में प्रोटेस्ट किया और हज़ारों लोगों ने उस नरसिंहानंद के लिए जो है गिरफ्तारी की मांग की और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। दूसरी तरफ अगर बात की जाए बरेली शरीफ, बदायूं शरीफ या यूगा जाए दिल्ली से या मुंबई से या कर्नाटक से, हर जगह से उस शख्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की जा रही है जिससे कि उस शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तार किया जाए। लेकिन यहाँ पर भक्तों की ये चाल नज़र आ रही है कि इतनी ज़्यादा गुस्ताखी करने के बावजूद भी उस शख्स को आखिरकार गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। सोचने वाली बात है, मैं नहीं कहना चाहता लेकिन फिर भी मिसाल के तौर पर आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। अगर किसी वजह से कोई मुस्लिम भाई हमारा किसी हिंदू देवी देवता के बारे में अगर बुरा कह देता, उनको लेकर के गलत तरह से टिप्पणी कर देता, तो अब तक उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया होता, उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए गए होते, यहाँ तक कि वो किसी भी खो में जा कर के बैठ जाता, सात तालों के अंदर भी बंद हो जाता, तो उसको जो है गिरफ्तार ज़रूर किया जाता और कहीं ना कहीं से ढूंढ करके भी लाया जाता। लेकिन यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल उठ कर के खड़ा हो रहा है कि आखिरकार उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा या फिर ये एक सोची समझी साजिश है मजहब इस्लाम को लेकर के। दोस्तों साथियों ये तो हर शख्स जानता है कि मजहब इस्लाम के काफ़ी ज़्यादा दुश्मन हैं जो कि दिनों दिन बढ़ रहे हैं, तभी तो आप देखते हैं कभी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, कभी कुरान शरीफ को लेकर के गलत तरह से टिप्पणी की जाती है, कभी कुरान शरीफ को जला दिया जाता है, कभी आप देखते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कार्टून बना दिए जाते हैं। आखिरकार क्या वजह है? ये कहीं ना कहीं मजहब इस्लाम से दुश्मनी है, मजहब इस्लाम के खिलाफ उन लोगों के दिलों में बुग्ज भरी रखी है। दोस्तों साथियों यकीनन ये बात भी तय है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब भी आएगा उन लोगों पे, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब आना लाजमी है।
दोस्तों साथियों, अब से पहले भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुनाजरे किए और अल्लाह के फजलो करम से उन मुनाजरों में उन लोगों को कामयाबी हासिल हुई। वहीं दूसरी तरफ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने उस कमीन को जो है चैलेंज दे रखा है कि आने वाले 30 अप्रैल को दिल्ली के एक ग्राउंड में तुझे मिलना है। उसके बाद से उसने चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद उसकी कोई भी किसी भी तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं दिख रही है। यानी कि कहीं ना कहीं बात की जाए तो वो डर गया है। वो जानता है कि उसका धर्म जो है झूठा है और उसकी भी कोई औकात नहीं, यानी कि उसकी ना ही कोई औकात है ना ही उसकी कोई वैल्यू है। वो सिर्फ और सिर्फ खुले सांड की तरह आता है, अपना मुंह खोलता है और कुरान शरीफ को लेकर या प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के गुस्ताखी करना शुरू कर देता है। आखिरकार ये गुस्ताखियाँ कब तक की जाएंगी? दोस्तों साथियों, यकीनन जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है उसको सज़ा मिलती है और सज़ा मिलना लाजमी भी है। मुसलमान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है दोस्तों, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं पर दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि हम उस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, तमाम ही मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं और लोग अपने अपने मज़हब में अच्छी तरह से रहते हैं और यहाँ रह कर के ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि किसी मुस्लिम शख्स ने किसी हिंदू शख्स की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की कोशिश की हो। बल्कि हमारा मुल्क तो वो मुल्क है जो कहा जाता है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा। लेकिन दोस्तों साथियों, आज नफरती दीवारें लोगों ने खड़ी कर दी है। लोगों ने उन दीवारों के ज़रिए जो है एक दूसरे के दिलों में नाइतफाक़ियाँ पैदा करनी शुरू कर दी हैं। लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को तोड़ना चाहते हैं। उनके अंदर जो आपसी मोहब्बत है, आपसी भाईचारा है, उसको वो लोग ख़त्म कर देना चाहते हैं। आखिर दोस्तों साथियों, मज़हब इस्लाम को लेकर के इस तरह से बुग्ज कब तक अपने सीने में रखी जाएगी? यकीनन दोस्तों साथियों, जो शख्स ऐसा करता है वो मज़हब इस्लाम से उसका कहीं से कहीं तक कोई भी ताल्लुक नहीं रहता। साथ ही साथ जो गैर मज़हब के लोग हैं वो ये पॉलिटिक्स खेलते हैं, मुसलमानों के पैगंबर की शान में गुस्ताखी करते हैं और फिर उसके बाद जो उनके धर्म के हिंदू लोग हैं उनको भड़काते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये नरसिंहानंद भड़का रहा है और इसने मंदिर के बाहर भी लिख दिया है कि यहाँ पर मुसलमानों का आना सख्त मना है। अरे कोई इस खबीस से पूछे कि कोई मुसलमान भला मंदिर में क्यों जाएगा? किसी मुसलमान को मंदिर में जाने की क्या ज़रूरत पड़ी है? यानी कि इसका दिमाग जो है पूरी तरह से सटिया गया है, इसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके दिमाग में मज़हब इस्लाम की गुस्ताखियां करना भरा हुआ है। यानी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में ये कैसे गुस्ताखी करेगा, इसके जहन में बस यही चल रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है। दोस्तों साथियों, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों का क्या मशवरा है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। हमें आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तमाम ही लोगों तक सबसे पहले पहुँचती रहे। मिलते हैं एक और कामयाब वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ खैर में याद रखें।